गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम जा रहे हैं कहाँ? संडे राइड। यस, फाइनली दोबारा से। पिछली राइड कैंसिल हुई थी हमारी बारिश की वजह से, और मैं करने वाला हूँ बाइक स्टार्ट। सॉरी मोहल्ले वालों, थोड़ी परेशानी दूंगा, स्टार्ट तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन मुझे पता है नींद ख़राब हो जाएगी, लेकिन माफ़ करना, क्या कर सकते हैं। ओके, तो हम जा रहे हैं गुड़गांव दोबारा से, और मैं जा रहा हूँ पोरुष के पास, क्योंकि पोरुष भी मेरे साथ चलेगा। बैक सीट लग चुकी है मेरी बाइक में। चलो भाई, जय माता की, आज कोई बारिश ना हो, भगवान प्लीज़। तो गाइस एक काम करते हैं, पहले लेते हैं पोरुष को, पोरुष के घर चलते हैं, उसके बाद फिर, क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ, 5:30 बज रहे हैं, मुझे 4:30 निकलना था। चलो एक काम अच्छा हो गया कि मेरे को रोड खुली मिल गई सामने। सो भाई देखो, पोरुष को मैंने ले लिया, पीछे बैठा हुआ है घर से, इसका थोड़ा मोहल्ला परेशान हो गया है। और ओए गड्ढा आ गया, पिलियन को बैठाते इतना बुरा गड्ढा आ जाता है सामने, और इतना मतलब बाइक पे टच होती है तो आराम से चलाना पड़ता थोड़ा ना। भाई देख लो उस चेहरे को, ये राइड पे आ गए बिना हेलमेट के सर हमारे, और बाहर दीदी के घर से हेलमेट लेना पड़ रहा है। अरे जो क्या साले, सुबह सुबह सोने दिमाग खराब मत कर, लेट तो हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, अब लेट पे हो, लेट से ही देखते हैं भाई कब जाएंगे। यार मैं थोड़ा लेट उठ गया यार, मतलब लेट हो गया उठने में ना गाइस। यार बहुत लेट हो गए हैं, बहुत लेट हो गए हैं, रात को चले थे, दिन निकल गया, लेकिन अभी भी नहीं पहुंच पाए हम। सीधा सीधा, ओके चलो भाई, सीधा चलो, सीधा देखते हैं कहाँ तक चलेंगे हम सीधा, क्योंकि हम पिछली बार भटक गए थे। लोग लेट हुए हैं, लो भैया ये भाई साहब, ये राइड पे जाते हैं, हेलमेट ये लेके नहीं आते हैं घर से। वहाँ देख लो एक ग्रुप खड़ा, लेकिन ये हमारा वाला नहीं है, वो अलग बात है। उसकी भी इसकी तो फिर भी आ गई है। अबे यार सबकी बोल जाती, वो चलती चली जाती है। देख रहे हो स्प्लेंडर की धौंस दे रहा है मुझे, कह रहा सबकी बाइक बोल जाएगी, जितनी है मेरी वेरी सबकी इनकी, अब अगी चली जाएगी रुकने के लिए। क्या इससे कर लो, अरे ना ना वाईफाई कर दूं? हाँ कर दूं, कोई नहीं। यहाँ पे देख लो एक और ग्रुप आ रखा है, अपना नहीं है वो अलग बात है, पता नहीं कौन लोग हैं। बेचे बेचे मौज कर दी, ये तो हार्ले वाली है, सारे सारे हार्ले वाले हैं, तो जहरी हो रखे हैं सारे। सुन, अब मेरे को लोकेशन बता। अरे अब एक से एक गहरी सुपर बाइक्स देखने के लिए मिल रही है, अभी तो मेरे सामने से गई है एक, और पूरा ग्रुप पीछे था, तो मूड खुश हो गया ना देख के। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो मुझे लाइव लोकेशन दे दिया जहाँ हमारा वाला ग्रुप है। यार मैं हमारा वाला ग्रुप थोड़ा जहरी है, वो थोड़ा जल्दी निकल गया, वरना पब्लिक अभी जमा होने स्टार्ट हुई है दूसरे ग्रुप की, तो बट स्टिल हम सीधा वहीं जा रहे हैं। अभी देखते हैं वहाँ पे कौन कौन मिलता है, हम अपने को वैसे जानते, तो मैं एक को ही हूँ एडमिन को, भैया ही हैं वो अपने, बाकी और भाइयों से मिलते हैं, देखते हैं। सामने सारे इकट्ठे हो रखे हैं, सारे जहरी जितने भी हैं, मेरी मुंडी घूम रही है कैमरे के साथ साथ, जरा देख लो वाइल्ड एंगल आगे होंगे। तो यहाँ पे ऐसा हुआ, पीछे सुपर बाइक खड़ी थी, यहाँ निकल गई अपाची, पोरुष बकरा गाली, कह रहा है अपाची तक घूम रही है और हमारी स्प्लेंडर को मना कर रहे हैं राइड करने के लिए, कह रहा है आग लगा दूंगा रजनीगंधा खा के यहाँ पे गुड़गांव के इन राइडरों में। कह रहा सबको मत बता मैं महंगी चीज खाता हूँ। चलो भाई हम अपने चलते हैं, हम हमारे तो टाइम से पहुंच गए भाई, इस टाइम से भी इकट्ठा होने स्टार्ट हुए, हमारे पहुंच भी गए बताओ। बढ़िया है हमारा, मतलब ग्रुप सही है हमारा, ग्रुप मेरे, हमारे ग्रुप के सारे आदमी मेरे पापा की तरह हैं, टाइम से टाइम के पाबंद। चलो भाई ये गुड़गांव की सबसे सेक्सी रोड लगती है मेरे को, क्योंकि इतनी चोटी है, इसमें मज़े आ जाते हैं। लेट्स गो, यार गाइस हम पोस्ट तो गए, लेकिन हमें यू टर्न नहीं मिल रहा,
यूटर्न नहीं मिल पा रहा है यार, बहुत दूर है यूटर्न। जो होटल है हमारे साइड में रह गया है, फोन भी आ रहा है भैया कहाँ से कि कहाँ रह गए कहाँ रह गए। खींच भी रखी है बाइक मैंने, लेकिन ये यूटर्न का है बहन का टका। चलो भाई मिल गया यूटर्न, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मतलब। चलो चलो चलो, वोरा सामने होटल और यहाँ है हमारे भैया। चलो चलो भाई फाइनली पहुंच तो गए हम लोग, मतलब इतना घुमाया है ना इसने मेरे को इस लोकेशन ने, यहाँ पे आके मतलब गाजियाबाद से यहाँ नहीं घुमाया, यहाँ पे आके घुमा दिया थोड़ा सा। ओके अभी चेक करते हैं कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। एग्जिट है तो लो भाई पहुंच गए अपन लोग। कैसे हो? अरे इसने ना नेविगेशन ने उधर निकाल दिया कहीं बाहर। अरे इन्होंने से आगे वाले रास्ते से निकाल दिया, लेक ऑन वाइन करके जो वो बढ़ता है ना पहले, हां उसके भी आगे से भी। एक तो आ फंस गया, एक तो मेरे को इसने लेट करवा दिया भाई साहब, हेलमेट लाना भूल गए। हां रख दे कहीं भी। Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. F a critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you were thinking that happens in there. Damn man, I'm all that, yeah I'm all that. Working for that whip, yeah that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back. They saying I'm the man, facts bro. Facts, lot bro. Of haters, tell me where they at though. They at, I'm though. The new pop, all I do is rap though, yeah. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo. Everybody wanna do the same thing, yep. That's why we ain't on the same page, no. Do my own thing, and I maintain. Woo. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. No, God, please, no, no! So guys, देख लो भाई हमारे बाइक चेक करने जा रहे हैं मेरी के कैसी है, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाई है। और ये ग्रुप का लाइन अप है सामने, ये ऑन भी है, मैं ऐसी बोल रहा हूँ फिर ठीक है। मैं काम करता हूँ वो खड़ी कोने में खोपचे में। थोड़ी सा हेलमेट निकाल लियो अपना, अपना हेलमेट ले ले वहाँ से मेरी वाली बाइक से। अरे ये जुगाड़ करा एक का, ये टूट भी गया रास्ते में, ये लेके नहीं आया था, फिर एक दोस्त से जुगाड़ करा था, खत्म मैंने भी इसके पीछे वाला। हाँ मतलब मजा आ रहा है चलाने में, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी देख लो पीछे वाला टायर इसका कराना पड़ेगा। इसमें ना पॉलिश वॉलिश मारेगा इनका सब पे ना। डायरेक्ट हो जाएंगे क्रोम में ना। हाँ हाँ पॉलिश वॉलिश मारेगा, इसलिए चला रहा हूँ। ये तो जहरी है ट्रंप।
बैटरी चली गई है यार, फक मैन। थोड़ी जल्दी से इसकी लैंडस्लाइड करके बना ले। खोल 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 फोन साइड से, खोल कैमरा खोल। वैसे लैंडस्लाइड ऐसे करके बना ले जल्दी से भाई। बैटरी चली गई है मेरे फोन की यार। चलो लेट्स गो। कैसे टाइम पे मेरी बैटरी गई है यार। ऐसा लॉल हो गया हमारे साथ। गोप्रो की बैटरी तब खत्म हुई जब बहुत ज्यादा जरूरत थी, मतलब जब सारी बाइकें चली तब बहस किया कि बैटरी खत्म हो गई गोप्रो की। अभी घर जा रहे हैं, घर जाके ब्लॉग एडिट करता हूँ, देखता हूँ क्या रीजन था भाई। इतना ब्लॉग हमने बनाया नहीं लेकिन गोप्रो की बैटरी क्यों मतलब खत्म हो गई। पता नहीं यार क्या है। मेरे साथ के सारे आगे निकल गए, मैं खाली मैप ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वो सब अपने घर चलेंगे तो हम भी अपने घर चलेंगे। गाइस गोप्रो की बैटरी ऐसे टाइम पे खत्म हुई है लेकिन स्टिल थोड़ा सा हमने फोन से ब्लॉग बना लिया। और ये पुरुष का जहरी हेलमेट रखा हुआ है बिना चीजे का, बेसिकली हारने पे नहीं हेलमेट लगा रहा है भाई जहरी। और फिलहाल ये कुछ खाने पीने के लिए रुका है यहाँ पे। बुद्धि चढ़ गई यार, मेरे कैमरा की जो बैटरी है वो पूरी डाउन हो गई और वो भी ऐसे टाइम जब राइड स्टार्ट हुई थी हमारी। कोई नहीं, जब संडे राइड आएगी तो उस पर मैं पहले एक काम करूंगा, फालतू का ब्लॉग ना बना के सीधा वहीं से ब्लॉग दिखाऊंगा आप लोगों को। धीरे धीरे सीख के पता चलता है लेकिन मजे आए यार। सेक्सी लग रहा है पूरा है भाई, लो गहरी लुक लगेगी। वॉक राइडर है ये भी अपना, हाथ मत लगाइए उसमें जल जाएगा ठीक है। खींच दो उसको चार पांच फोटो खींच लो वनडे की। बढ़िया तुझे भी खिंचवानी है, तू भी लग साइड में साल। ओ जल मचियो इधर इधर, हाँ इधर, बस 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 खड़े रहो, बेहतरीन लग रहे हो दोनों। चलो बड़े आ गए। ये वाला अच्छा, ये वाला गंदा है। ओए गंदे आदमी, गंदे हेलमेट वाले क्या कर रहा है ये। सो भाई मैं वापस आ गया हूँ राइडिंग से, और जब मैं यहाँ पे एडिटिंग कर रहा था, वैसे तो मैंने रात के 4 बजे एडिटिंग करी है और मैं वापस एक दिन पहले आ गया था ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉग एडवांस में चल रहा है। आप लोग जानते हो आज संडे नहीं है और ये संडे राइड का ब्लॉग है, क्योंकि मैंने संडे ऑलरेडी बहुत सारा अच्छा अच्छा आप लोगों को कंटेंट दे दिया था। गाइज दिक्कत ये हुई थी, जैसे मैंने एंट्री करी होटल के अंदर तो वहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करे थे, सारे राइडर्स वहाँ पे थे हमारे ग्रुप के, तो मेरा जो हेलमेट है वो शायद मैंने अपना गोप्रो गलती से ऑन करके एक टेबल पे रख दिया ठीक है, तब मेरे को याद नहीं था। और जैसे ही सबने भाई साहब राइडिंग स्टार्ट करी, गोप्रो की बैटरी हो गई पूरी डाउन, और भाई मेरा हो गया दिमाग खराब, खाली 2% बैटरी में आगे का मैंने व्लॉग बनाया है। दिक्कत ये हुई कि वो ऑन ही रह गया, और जैसे मैं एडिटिंग कर रहा था मैं देख रहा था 30 मिनट हो गई और मुझे एक बिल्डिंग ही खड़ी दिख रही है खाली, और हम लोगों की साइड से हंसते हुए आवाज आ रही है। हम ब्रेकफास्ट करते हुए जो हंस रहे थे, इससे अच्छा काश मैं उस वाली टेबल पे रख देता जहां हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे। खैर छोड़ो, चीजें सीख सीख के ही आती हैं। अब मैंने ये सीखा है कि अब जो मैं राइडिंग के व्लॉग्स बनाया करूंगा वो पहले वहां जाऊंगा तब गोप्रो ऑन करके बनाऊंगा, यहीं से स्टार्ट नहीं करता हूँ। यहाँ से खाली एक क्लिप ले ली बहुत है, रास्ते की ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, सीधा राइडिंग की आप लोगों को दिखाऊंगा, मतलब वहां पहुंच के दिखाऊंगा तो वो ज्यादा बेटर लगेगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग कॉमेंट करके बताना ये आइडिया सही है या नहीं। दूसरी बात, मुझे लगा कि चलो गोप्रो की बैटरी डाउन हो गई तो थोड़ा फोन से व्लॉग कर लेते हैं, जो कि हमने किया अभी लास्ट में। हमने पुरुष को मैंने फोन पकड़ा दिया था, वो बेचारे ने पूरी कोशिश करी लेकिन मेरी जो बाइक की स्पीड थी वो जैसे ही 134 गई ठीक है, तो उसके हाथ से फोन ऐसे उड़ने लगा और उसका जो हेलमेट था वो काफी पुराना था
ठीक है, क्योंकि वो काम चला हमने लिया था चलान से, उसने भी बचा लिया भाई जैसा भी था चलान से बचा लिया, मेन काम ये था क्योंकि एक पुरुष अपना हेलमेट ले जाना भूल गया था, तो उसका भी वाइजर जो है वो उड़ गया, वाइजर उड़ के चला गया, फोन ऐसे ऐसे हिल रहा है क्योंकि मेरी जो बाइक है उसकी सीट ऊपर है मेरी नीचे है, तो पीछे वाले को ज्यादा हवा लगती है, तो वो हो नहीं पाया फोन से, मतलब चलती हुई बाइक में वो नहीं बना पाया, डर डर के बना रहा था कि भाई मतलब कुछ दिक्कत ना हो जाए, फोन वोन ना उड़ जाए, लेकिन स्टिल उसने थोड़ा ट्राई किया और उसने थोड़ा बना लिया, हालांकि थोड़ा बना पाए लेकिन भाई जितना बना पाए बना लिया हम लोगों ने, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई इतनी मेहनत हमने करी है, ठीक है, तो थोड़ी बहुत आप भी कर लो, प्यार दिखा दो थोड़ा सा उस ब्लॉग को, लाइक करो पूरा देखो और शेयर करो। गाइस मैं अपना यूट्यूब पे वीडियोस चेक कर रहा था, तो यार मैंने उसमें देखा कि लोग आते हैं वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, यार तो भाई देखो ऐसा मत क्या करो, आए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो और कॉमेंट बॉक्स में भर दो आपका ब्लॉग कैसा लगा है। भाई देखो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी भाई आए ना अभी यहाँ पे सारे के सारे कॉमेंट करें अच्छी अच्छी और भर दो, कैसा आपको ब्लॉग लगा सब कुछ दिखा दो भाई कमेंट में, ठीक है, तो अभी इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड करते हैं, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं उनका एंजॉय करो, लव यू गाइस, टेक केयर।